सिक्स क्लास ब्रेन टीजर पर हम पहुंचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट में भेज चुकी हूँ। बी पार्ट, फाइंड ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 30 इज इक्वल टू द फोर्थ पार्ट डिक्रीज्ड बाय 30। हमें नंबर ही नहीं पता, फाइंड ए नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स। फिफ्थ पार्ट 1/5 एक्स, 1/5 एक्स इंक्रीज्ड बाय 30 प्लस 30 इज इक्वल टू लगा दिया। फोर्थ पार्ट 1/4 x लिख दिया, डिक्रीज्ड बाय 30 माइनस 30 लिख दिया। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। रमन हैड 30 फ्लावर्स, रमन के पास 30 फ्लावर्स थे। ही ऑफर्ड सम फ्लावर्स टू ए टेम्पल, वो टेम्पल में कुछ फ्लावर्स चढ़ाया जाता है। एंड फाउंड दैट रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रिमेनिंग फ्लावर्स टू दैट ऑफ द फ्लावर्स इन द बिगिनिंग इज 2:5। फाइंड द नंबर ऑफ द फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेम्पल। हमें दिया हुआ है कि टोटल फ्लावर थे उसके पास 30, उसने मंदिर में चढ़ा दिए x फ्लावर्स, तो रिमेनिंग बच गए 30 माइनस x। अब वो कहता है कि जो रिमेनिंग बचे हैं वो, और शुरू में बिगिनिंग में जो उसके पास थे वो, उन दोनों की रेशियो 2:5 है। तो अपॉन में लिख दो, ये रिमेनिंग है, ये बिगिनिंग वाले हैं, 2:5 2/5 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वी विल से द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफर्ड बाय हिम इन द टेम्पल इज 18। उसके बाद है सी पार्ट, द टेंस एंड वंस डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर आर द सेम। एक पीछे आ तो चुके हैं ये सम, लेकिन अलग अलग था कुछ। यहाँ टेंस डिजिट को भी x मानना है, वंस डिजिट को भी x मानना है, सेम मानना है, दोनों डिजिट सेम है। तो 2-digit नंबर क्या होता है, 10 × 10 digit प्लस यूनिट्स डिजिट, तो 10x प्लस x मिलके 11x बन गया। आफ्टर रिवर्सिंग द न्यू नंबर विल बी, अब फिर इसको x को इधर, उसको x को इधर बनेगा, तो फिर भी वही 11x। तो उन दोनों का सम, सम इज 88, 11x प्लस 11x इज 88, तो x आ जाएगा 4, हैंस द नंबर इसमें पुट कर दो 11 × 4 = 44। उसके बाद है डी पार्ट, x स्क्वेयर माइनस 9 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/7। ऊपर तो स्क्वेयर है, नीचे स्क्वेयर नहीं है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। एक्स स्क्वेयर माइनस 9 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 4/7, तो जो मुझे 9 दिख रहा है वो स्क्वेयर दिख रहा है 3 का, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको ए प्लस बी, ए माइनस बी में खोल लो, और नीचे एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट गया, तो बचा मेरे पास सिर्फ एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू निकाल दो। उसके बाद आता है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, रोहन ब्रॉट ए पैक ऑफ 100 चॉकलेट्स ऑन हिज बर्थडे टू डिस्ट्रीब्यूट इन हिज क्लास। आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट एंड टू हिज एंड हिज क्लास टीचर, ही इज लेफ्ट विद 10 चॉकलेट्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है x, गिवन टू ईच स्टूडेंट एंड टीचर इज 2, लेफ्ट एंड 10। अगर एक बच्चे को 2 टॉफीज दिए हैं, 2 चॉकलेट्स दिए हैं और बच्चे हैं x, तो 2 × x मीन्स ये बच्चों में बट गई टोटल, प्लस 2 × 1 टीचर, क्लास टीचर को भी, एक टीचर क्लास टीचर का, नंबर ऑफ टॉफीज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टॉफीज इंटू नंबर ऑफ टीचर्स, प्लस ये और बाकी 10 जो बची हुई हैं वो भी ऐड कर दो, और ये टोटल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 44 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, 4, 5 अपने आप करोगे। फिफ्थ पार्ट में माइनस 13/3/14 है, ये मैं उधर ले गई, ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से हमारा जेड निकल गया। बस सिर्फ ये स्टेप फालतू है कि 3/14 को पहले हम उधर लेके जाएंगे, बस इतना इसमें चेंज था। उसके बाद है सिक्स पार्ट, ये पहले आ चुका है, x प्लस 1 को 4x-3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4x² + 5 है। तो आप इनको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको इससे, इसकी फर्स्ट टर्म के साथ पूरी ब्रैकेट, इसकी सेकेंड टर्म के साथ पूरी ब्रैकेट जाएगी, -4x² + 5 एंड सो ऑन। मल्टी खोल दो ब्रैकेट, 4x² - 3x + 4x - 3, 4x² से 4x² कट गया, तो x और x वाली टर्म में प्लस 1 बच गया, और प्लस का 5 माइनस का 3 में 2 बच गया। सॉल्व कर दो, -7x = 0, तो x आ गया 0/-7। किसी भी नंबर 0 के नीचे अगर कुछ भी नंबर आ जाता है तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 8, x² - x + 2 x - 2, तो x + 2 की x - 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो, a + b a - b, a² - b² खोल दो, x² से x² कट गया, ओनली 4 बच गया, नीचे x + 3 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड x =
5। बस आज के लिए इतना काम है, इतना काम करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।